अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दोस्तों, नज़र उतारने का एक ऐसा बेहतरीन अमल बताने जा रहा हूँ कि जितने भी ये फरौड़ी बाबा हैं, जितने भी ये तावीज़ गंडे करने वाले बैठे हुए हैं, जहाँ आप जाते हैं और जाकर 500 हज़ार रुपये देकर आते हैं, फ़ायदा कुछ भी नहीं होता। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम की कैसी दुआ हजरात को बताने वाला हूँ, आप खुद भी कर सकते हैं, नज़र उतार सकते हैं, क्यों किसी के पास जाए जब हमारे नबी हमें सब कुछ सिखाकर और बताकर चले गए। इस दुआ को याद करने में मुश्किल से 10 मिनट लगेंगे, बस शर्त यह कि आपके अंदर शौक होना चाहिए। जब भी आपको लगे कि बच्चे की तबीयत बोझल हो रही है, बच्चा बहुत ज्यादा रो रहा है, या अचानक वो अफसुरदा यानी गमगीन हो गया है, या किसी को किसी बीमारी ने घेर लिया, दवाइयां काम नहीं कर रही, तो यह अमल जरूर करें, इस काम को जरूर करें। बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो बनाने जा रहा हूँ, बहुत काम की चीजें बताने जा रहा हूँ दोस्तों, इसको सेव कर लेना, बहुत ज्यादा आपके काम आएगी। दुआ यह है, आपको स्क्रीन पर नजर आएगी, दुआ में पढ़ रहा हूँ, आप इसको अच्छे से नोट कर लीजिएगा। बिस्मिल्लाह अल्लाहुम्मा अज़हिब हर्रह व बर्दह व वसबह। ए तर्जमा, मैं अल्लाह के नाम से दम करता हूँ, ए अल्लाह इसकी गर्मी और तकलीफ देने वाली ठंडक और इसके लाए हुए मर्ज को दूर फरमा। उसके बाद यूं कहे, बिइज़्निल्लाह, अल्लाह के हुक्म से खड़ा हो जा। और जिसकी अकल काम ना कर रही हो, कुछ मजनू हो गया हो, दीवानापन सा उसके ऊपर जाहिर हो रहा हो, तो 3 दिन तक इस दुआ को 7 दफा सूरह फातिहा पढ़कर उसके ऊपर दम करे, आगे पीछे 11 दफा दुरूद शरीफ लगा ले। आप यकीन जाने, बहुत जल्द इंशाल्लाह उसको शिफा मिलेगी, आराम मिलेगा, सुकून मिलेगा। तो दोस्तों, इस वीडियो को शेयर करते जाए, दूसरों का भी भला होगा और आपका भी भला होगा, हमें भी दुआएं मिलेगी और आपको भी मिलेगी। जज़ाकअल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह।